दोस्तों, बारामूला से 32 किलोमीटर की दूरी पर पाजलपोरा गांव के मगरिब में और डेंगीवचा तहसील से 17 किलोमीटर दूर एक दिलकश जगह है जो मुंडदजी के नाम से मशहूर है। ये जगह 400 साल पहले एक सूफी सेंट ख्वाजा यूसुफ शाह ने जेर एहतमाम किया है। मुंडदजी 125 एकड़ में फैला पाइन और बुरजा ट्री से घिरा हुआ एक साफ सुथरा इलाका है। ये तकरीबन 8000 फीट की बुलंदी पर है और बर्फ से ढके काजी नाग पीक से घिरा हुआ है। काजी नाग इस खूबसूरत वादी के बिल्कुल टॉप पर है, जहां से हुमल और गजजी नदियां बहती है। मुंडदजी को गुलमर्ग और पहलगाम का मिक्सचर करार दिया गया है। यहां का दौरा ज्यादातर बारामूला, हंदवारा और सोपोर के रिहायशियों की तरफ से किया जाता है। मुंडदजी तक आसानी से गाड़ी का सफर मुमकिन है। यहां जंगली परिंदों के साथ हवा में गंज होती है। मुंडदजी पहुंचने के बाद लोगों को हमाम, मरकूट और डोनेवारी के करीबी गांव की जिंदगी देखने का मौका मिलता है। बर्फ में तो मुंडदजी और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है और यहां तस्वीर खींचने के और भी मौकात मिल जाते हैं। हमें इस तरह के गैर मामूली और कम जाने गए इलाकों जैसे मुंडदजी को पिकनिक स्पॉट्स के तौर पर तलाश करना चाहिए। इन जैसे जगहों की प्रमोशन इनके इलाकों की तरक्की का जरिया बनेगा। मुकामी लोगों को रोजगार के मौके फराहम होंगे और वादी के पहले ही मशहूर पिकनिक मुकामात पर बोझ कम होगा। मुंडदजी की नीड यह है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर गौर किया जाए और टूरिज्म डिपार्टमेंट को मुंडदजी एक नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर लेना चाहिए। तो दोस्तों, क्या अब आप मुंडदजी एक्सप्लोर करने के लिए एक्साइटेड हो? कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, टेक केयर, बाय।